ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. Felicitate the chief guest, the Honorable Vice President of India. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಐಐಎಂ ಜೆಸೆ ದೇಶ ಬಡೆ ಬಡೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜುಡೆ ಯುವಾಕೋ ಶೋಧ ಕಿ ಬದೌಲತ್ ಆ ದೇಶ ತೇಜಿ ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬನ್ನೆ ಅಗ್ರಸರ ಹೋ ರಹ ಇತನಾ ನೀ ಆ ಭಾರತೀಯ ಛಾತ್ರ ಛಾತ್ರಾ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಭೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಬಚ್ಚೋ ಎಂ ಯುವಾಕೋ ಭವಿಷ್ಯ ಸಹಿ ರಾಹ ದಿಖಾನೆ ಔರ್ ದೇಶ ಮೇ ಸಮಾವೇಶೀ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಬಡಾವಾ ದೇನೆ ಆವಶ್ಯಕ ಹೇ ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಕೋ ಬಡಾವಾ ದಿಯಾ ಜಾಯ್ ಶಿಕ್ಷಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಿ ಜಾಯ್ ಸಮಾವೇಶೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಣಾಲಿ ಪರ್ ಜೋರ್ ದಿಯಾ ಜಾಯ್ ಗುಣವತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೋ ಬಡಾವಾ ದಿಯಾ ಜಾಯ್ ಆಜ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೇ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಿ ಗುಣವತ್ತಾ ಬಡಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹುತ್ ಜರುರಿ ಹೇ ಕಕ್ಷಾಓ ಮೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಉಪಯೋಗ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ಛಾತ್ರ ಕಿ ವ್ಯಸ್ತತಾ ಔರ್ ಭಾಗೀದಾರಿ ಕೋ ಬಡಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ भारत द्वारा 2015 में अपने अपनाए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 की शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है. हमारा देश विकास के दौर में है और हमारे पास आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के हर स्तर पर शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शिक्षकों का योगदान प्राप्त हो रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. स्थानीय भाषा को महत्व देते हुए हमें उसमें अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए. ऐसा प्रयास कई राज्य कर भी रहे हैं जिससे हम अपनी बात को अच्छे से रख सकें और दूसरों की बात को भी समझ सकें. मुझे ये कहते हुए भी खुशी हुई है कि इस संस्था द्वारा भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो विद्यार्थियों के लिए हितकर है. यह जानकर खुशी हो रही है कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस परिसर में हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति का मिश्रण इस संस्थान में दिख रहा है जिसकी महती आवश्यकता भी है. इस विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है. मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इन अभूतपूर्व सुविधाओं का उपयोग कर अपना बहुआयामी विकास करें और अपने आने वाले कल को संवारें. विद्यालय ने बहुत ही कम समय में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कर राज्य एवं देश में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है. इसके लिए संस्थान के चेयरमैन श्री मान विजय अग्रवाल जी और मैनेजमेंट टीम, शिक्षकगण एवं कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप छात्रों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन करते रहेंगे. मैं इस प्रसिद्धि प्राप्त संस्था के भविष्य में भी
और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय कर्नाटक।